नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी के प्रमुख महंत किशोरपुरी महाराज की पार्थिव देह को समाधि दी गई। उनकी पार्थिव देह को उनके गुरु गणेशपुरी महाराज के पास ही समाधि दी गई है। इससे पूर्व उनकी पार्थिव देह को नगर भ्रमण के बाद समाधि स्थल पर ले जाया जाएगा, जहां महंत की गद्दी के उत्तराधिकारी नरेशपुरी ने विधि विधान से अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी कर समाधि दी। इससे पहले हजारों श्रद्धालुओं ने पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरी परिवार के सदस्य, जनप्रतिनिधि, एसपी प्रकाश चंद्र, एसडीएम दुर्गा प्रसाद सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज का रविवार को उनके जयपुर स्थित आवास पर देवलोक गमन हो गया है। उनका ट्रस्ट एक है और उस ट्रस्ट में जो उनके प्रावधान हैं, उनके उद्देश्य हैं, उनको पूरा प्रयास करने का हमारा दायित्व है और हम उसको पूरा करेंगे। तो दायित्व तो जो उन्होंने चुन रखा होगा सामाजिक रूप से वही होगा। इनको भी महाराज जी ने इनके त्याग और तपस्या को देख करके ही चयन किया था। इनकी त्याग और तपस्या अविरल चलती रहती है। भगवान का भजन, हनुमान जी का भजन जितने महंत जी करते थे, ये उन्हीं के कदम चिन्हों पर चल करके उनसे भी आगे पहुंचने वाले हैं। और इस क्षेत्र के अंदर इनके द्वारा त्याग की मूर्ति जो बनाई है, इन्होंने महंत जी ने बनाई है, उससे भी आगे बढ़ करके इनके कार्य रहे हैं। महाराज जी ने जो कार्य किए वो ऐसे महान कार्य किए। सबसे ज़्यादा उन्होंने किया तो बच्चियों की शिक्षा के लिए किया था। बच्चियां यहाँ पढ़ करके अच्छे अच्छे अफसरें बनी, सभी समाज की बच्चियां, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हो, सबको पढ़ाया। संस्कृत में बड़े बड़े विद्वान बन करके यहाँ से गए। संस्कृत पाठशाला भी महाराज जी की चलती थी और आज भी मतलब इस स्थान के द्वारा जो दान होता है गरीबों के लिए, जितना दान यहाँ पर हुआ है शायद कहीं नहीं हुआ होगा। और मुझे खुशी है उन्हीं के महाराज जी जो शिष्य हैं श्री नरेश जी, जिनको हम सभी लोगों ने स्वीकार किया है, और ऐसे सेवक हैं आप भी जो मैं कुछ वर्णन आपका कर नहीं सकता। विश्व आदिवासी दिवस पर नांगल प्यारीवास में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके साथ विधायक मुरारी लाल मीणा एक ही बैलगाड़ी में सवार होकर अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान युवा मीणावाटी गीतों पर नाचते गाते दिखे। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में युवाओं में जोश भी देखने को मिला। हजारों युवा जय जौहर, जय बिरसा मुंडार, अमर रहे के नारे लगाते हुए कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं जनसभा को मीणा समाज के कई नेताओं ने भी संबोधित किया। वहीं मीणा दंगल के आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गोलमा देवी सहित दर्जनों विधायक भी मौजूद रहे। खबर 12 से है, जहां खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भैया किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र के दौरे पर रहे, जिन्होंने अतिवृष्टि के कारण जिन लोगों की मौत हो गई उनके घर जाकर मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। इस दौरान मंत्री भैया ने मृतकों के परिवारजनों और आश्रितों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दुख की इस घड़ी में प्रभावितों के साथ खड़ी है और सहायता राशि के अलावा भी हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। निश्चित रूप से उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो नदियां आती हैं तो वहां पानी बढ़ता है, फिर साथ में यहां हमारे ज़िले में भी जब पानी बढ़ता है तो निश्चित वो नदियां सब उफानता आ जाती है। उसी के कारण ये जानहानि हुई और फसलों का नुकसान भी हुआ, लोगों के मकान भी ढहे, पशुओं की भी हानि हुई
तो इसके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिल्कुल सजग हैं। उन्होंने कल ही जहाँ जहाँ जिन चार पांच जिलों में बाढ़ जैसे हालात हुए वहाँ के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों सबसे वीसी से संवाद किया। खबर बूंदी के इंद्रगढ़ से है जहां दहीखेड़ा के नोताड़ा गांव में जलभराव के कारण मकान ढह गया जिसमें 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी है जिससे खेतों में करीब 3 से 4 फीट पानी भर गया। पानी का कोई निकास नहीं होने से कई घर और खेत जलमग्न हो गए। इसी दौरान नोताड़ा में रहने वाले लोकेंद्र मीणा और उसके 2 रिश्तेदार मकान से सामान निकाल रहे थे, इसी दौरान मकान ढह गया। इसमें 3 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। खबर अलवर के बांसूर से है जहां राजकीय विद्यालय चतरपुरा के खेल मैदान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान घर घर औषधि पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया तो वहीं विधायक शकुंतला रावत ने आमजन की जन समस्याएं सुनी। इसी दौरान SDM राकेश मीना, थाना अधिकारी अवतार सिंह, विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश बावता, सरपंच नीरज समेत ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ये प्रोग्राम है क्योंकि जो एक लोगों की भावना बदल रही थी कि पेड़ पौधों को काटो हटाओ, ये बेल है, ये ऐसा पौधा है, तो इस तरीके से तुलसी हुई, नीम गिलोय हुई, कई तरह के ऐसे पौधे हैं जो अपन को लाभ पहुंचा सकते हैं, जो डेली घर में लेना चाहिए। तुलसी का जैसे पूजन भी होता है तो ऐसे पौधे हर घर में वितरण करने का राजस्थान सरकार का एक प्रण है, एक कहना चाहिए कि एक आधार बनाया है कि हर घर में हम एक एक पौधा वितरण करेंगे, जबकि हमने सभी को अभी 5-5 पौधे औषधि के दिए हैं। UNSC की हाई लेवल बैठक, आपको बता दें PM मोदी VC के माध्यम से अध्यक्षता कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा और ओवर फिशिंग और मरीन पोचिंग के खिलाफ साझा कदम उठाने होंगे। साथ ही हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। हमने सस्टेनेबल फिशिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई पहले ली है। 5वां सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। एक्सलेंसीज, मुझे विश्वास है इन 5 सिद्धांतों के आधार पर मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक वैश्विक रोड मैप बन सकता है। आज की ओपन डिबेट की उच्च और सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। खबर जयपुर के आमेर से है जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के निर्देश पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा की ओर से खेरा श्यामदास और चेतावाला गांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में अलग अलग तरह के पौधे लगाए और पौधे को संरक्षण का भी संकल्प लिया। इस मौके पर सुमेर पवार और मंडल अध्यक्ष पप्पू सैनी समेत कई लोग मौजूद रहे।
खबर जयपुर के चौमुख क्षेत्र से है, जहां बाबा राघव दास की तलाई में स्थित शिव मंदिर परिसर में पूर्व सरपंच विमलपुरा एवं एडवोकेट रामगोपाल मीणा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि जीवन सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा संस्था विमलपुरा शाखा की ओर से हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण किया गया। इस दौरान रामदेव, भंवर बिरदी चंद मेहता, वीरेंद्र यादव, श्रवण जगदीश भीमाराम समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। खबर सीकर के रिंगस से है, जहां स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का अगस्त क्रांति दिवस की वर्षगांठ पर स्वागत अभिनंदन किया गया। जेतुसर के दादू दयाल आश्रम पर स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का सम्मान किया गया। इस मौके पर खंडेला में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुभाष मील, ईओ ममता चौधरी और पूर्व पार्षद विष्णु गंगावत समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं श्री श्याम जन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमावत ने भी समिति की ओर से स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी का भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर 95 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबके स्नेह और सम्मान से मेरे में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुभकामना का संदेश दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से स्वामी के नाम जारी अभिनंदन पत्र दिया। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां सावन महीने के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में बम भोले की गूंज सुनाई दी। भक्तों ने जल और दूध का अभिषेक कर बारिश की और कामना की। शहर के मुख्य मंदिरों ने हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर गौतम ऋषि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष उमाराम मीणा ने बताया कि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी होने के चलते गौतम ऋषि के मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार के अंदर तीनों जिलों से मीणा समाज एवं अन्य हर जाति के लोग आज महादेव जी के दर्शन पा करके बड़ी खुशी मनाई और इसके अंदर बारी बारी से जो ट्रस्ट की ओर से सुविधा आने जाने की अच्छी रही और उसको देखते हुए आज की तारीख में तीसरे सोमवार को लोगों ने इतने बहुत अपने इच्छा से स्वेच्छा से लाभ उठाया और गौतम जी मंदिर पर धूमधाम से महादेव जी की पूजा अर्चना की और आज का जो खबर अजमेर के किशनगंज क्षेत्र से है, जहां मदनगंज थाना क्षेत्र के रैगर मोहल्ले में महिला नोरती देवी ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करी। दरअसल मृतक के पति का लॉकडाउन में निधन हो गया था, जिसके चलते महिला काफी दिनों से अवसाद में चल रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। राजधानी के कोटपुतली में NH-8 पर निकटवर्ती ग्राम कल्याणपुरा कट के पास ट्रोलो और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कंसुआ ने ग्रामीणों की सहायता से BDM हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया, जिसमें से एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में A1 TV की खबर का असर हुआ है। हाईवे पर जगह जगह गहरे गड्ढे होने की वजह से सड़क हादसे लगातार हो रहे थे। इस मामले को लेकर A1 TV ने रविवार को प्रमुखता से खबर चलाई थी। रविवार को हरमाड़ा की टोड़ी मोड़ पर बाइक फिसलने से एक महिला की मौत हो गई थी। अब टाटियावास टोल प्रबंधन ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर गड्ढे भरने का पेचवर्क का काम शुरू कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने A1 TV का आभार जताया है। गौरतलब है कि रविवार को एक बाइक सवार अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था कि गड्ढा होने के कारण बाइक फिसल गई। बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
सांडेराव पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध रूपी से बजरी परिवहन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत को ग्रामीणों ने कई शिकायतें की थी। एसपी रावत ने सांडेराव पुलिस को अवैध रूप से बजरी ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इस आदेश की पालना में थानाधिकारी सरजल मालिक के नेतृत्व में पुलिस दल ने कार्रवाई की और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की और आरोपियों के खिलाफ चालान बनाए। इस बीच 2 अन्य ट्रैक्टर मालिक बजरी से ट्रॉलियों को छोड़कर फरार हो गए। श्री गंगानगर का एग्जिट गांव का शमशान घाट अब नशा तस्करी का मुख्य अड्डा बन गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये गांव पंजाब की सीमा से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। पंजाब सीमा के पास लगने के कारण नशा तस्करी का प्रभाव यहां खास तौर पर पड़ता है। सूचना मिलने के बाद मीडिया कर्मियों ने शमशान घाट का जायजा लिया, जहां गांजा, स्मैक, ड्रग्स जैसे नशा लेने के कई उपकरण यहां मिले हैं। इंजेक्शन के माध्यम से लेने वाले नशे के कुछ इनपुट भी वहां मिले हैं। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कई बार पुलिस शिकायत की, लेकिन पुलिस इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने भी मीडिया के माध्यम से सरकार को इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। वहीं अब देखना यह भी होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। और भी कोई गांजा वगैरह की पुड़ियां पाएगी, बहुत ही हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, नशे के खिलाफ हैं। और अब जैसे पता चला है, इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे और जिला प्रशासन को हम इसके बारे में अवगत करवाएंगे। जो ये नशा है, इस नशे को बंद किया जाए। अगर ऐसा शमशान घाट के अंदर पाया गया तो जिला प्रशासन से हम ये भी मांग करेंगे कि यहाँ पर गश्त होनी चाहिए या यहाँ पे कोई गार्ड लगाया जाए। मेरा नाम कपिल देव और कपिल नायक, मैं ऑल इंडिया प्लेयर हूँ क्रॉस कंट्री SGN खालसा कॉलेज से। और मैं बुरी लत की वजह से नशे में पड़ गया था, तो अब मैं सब नशा छोड़ चुका हूं। और मेरे गांव के युवा भी बहुत नशे में गिर चुके हैं। और पास में कालिया गांव है, जिसकी शिकायत मैंने जनप्रतिनिधि से भी और मेरे ग्रामीण एरिया में जो थाना लगता है ज्वार नगर में भी गया। वहां पे स्टाफ बैठा था, मैं सीधा जाके बोला मैं अगर इस तरह चिट्टे का नशा बहुत आ गया। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों पेयजल संकट गहराने लगा है। जहां एक तरफ तेज बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो वहीं जयपुर के बस्सी में पीने के पानी की समस्या खुलकर सामने आने लगी है। इसी के तहत बांसखो की सतबैया बैरवा की ढाणी पिछले 3 महीने से पानी की कमी से जूझ रही है। यहां करीब 500 लोगों की आबादी है, इसके बावजूद जिम्मेदार प्रशासन समस्या को अनदेखी कर रहा है। आपको बता दें कि पहले यहां सौर ऊर्जा चलित पनघट योजना से पानी की सप्लाई की जा रही थी, जो करीब 1 साल से ठप है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस समस्या से जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे के समीपवर्ती खेतों में फसलों के पालतू सुअर चौपट कर रहे हैं। समस्या से परेशान किसानों ने नगरपालिका और संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन सुअरों की समस्या से निजात नहीं पा रही है। आपको बता दें कि तारबंदी के बावजूद रात के समय सुअर खेतों में घुसकर फसलों को खराब कर रहे हैं। वहीं प्रशासन मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।